जयपुर से खबर, प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। आज दोपहर 1 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा जाएगा। दुष्कर्म की घटनाओं और बढ़ते अपराधों के विरोध में यह ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही राज्य में राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग भाजपा के द्वारा की जाएगी। बढ़ते हुए अपराध और लगातार बढ़ते हुए दुष्कर्म को लेकर भाजपा सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हल्ला बोल अभियान जो है भाजपा का वो जारी है। अब ज्ञापन सौंपा जाएगा भाजपा की ओर से, और साथ ही इन बढ़ते हुए अपराधों पर रोक लगाने की कहीं ना कहीं मांग भाजपा की ओर से की जा रही है। साथ ही अब भाजपा चाहती है कि राज्यपाल हस्तक्षेप करें इस पूरे मामले में। जिस तरीके से लगातार प्रदेश में जो घटनाएं हैं, आपराधिक घटनाएं हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, और उसी को लेकर राज्य में राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की जाएगी ज्ञापन के द्वारा भाजपा की ओर से। लगातार सरकार को घेरने की तैयारी भाजपा भी कर चुकी है। बढ़ते अपराधों को लेकर यह हल्ला बोल अभियान भाजपा का जारी है। इसी के चलते राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा, और साथ ही राज्यपाल से राज्य में हस्तक्षेप की मांग भाजपा की ओर से की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पिंटू सिंह नरू का फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिंटू, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, भाजपा पूरी तरीके से लगातार तैयार है सरकार को घेरने के लिए, साथ ही अब राज्यपाल से भी हस्तक्षेप की मांग। देखिए मनीषा, बीजेपी लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। 5 अक्टूबर को भी प्रदेश भर में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उसी को लेकर आज फिर एक बार बीजेपी का जो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है वो राज्यपाल से मुलाकात करेगा, और प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बिगाड़ने का जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि लगातार प्रदेश में जो दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है और कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, उसको लेकर आज बीजेपी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा और कानून व्यवस्था को लेकर हस्तक्षेप की मांग करेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, नेता प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़, प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर और दोसा सांसद जसपुर मीणा, ये 5 सदस्य हैं जो राज्यपाल कलराज मिश्र से 1 बजे मुलाकात करेंगे और कानून व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो हाथरस के जो गैंगरेप की घटना को लेकर जिस प्रकार से वहां पर योगी सरकार को तमाम जो विपक्षी दल उन्होंने घेरने का काम किया है, उसी को लेकर कहीं ना कहीं राजस्थान में भी अब उस पूरी सियासत का देखने को मिला है। यहाँ कांग्रेस को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रही है, खासतौर कानून व्यवस्था को लेकर। उसी को देखते हुए लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा। बीजेपी चाहती है कि लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा जाए ताकि जो यूपी का जो ध्यान है कहीं ना कहीं उसको बांटने का काम किया जाए। उसी की भूमिका यहाँ पर बीजेपी निभा रही है, और 5 अक्टूबर को जो विरोध प्रदर्शन किया गया था, बड़ी तादाद में हर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, पैदल मार्च निकाला और ज्ञापन सौंपा, और आज राज्यपाल को ज्ञापन देने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। दोपहर 1 बजे जो बीजेपी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है वो पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं लगातार गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की चल रही है, और आगामी निगम चुनाव, पंचायती राज के जो चुनाव होने हैं वो भी कहीं ना कहीं उन सब चीजों को देखते हुए भी बीजेपी कहीं ना कहीं फिर से एक आक्रामक हुई है, क्योंकि कभी भी निगम के चुनाव हो सकते हैं जिस प्रकार हाईकोर्ट का फैसला आया है, और पंचायती राज, जिला परिषद और पंचायत समितियों के भी चुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी एक बार फिर आक्रामक हो गई, और सबसे बड़ा जो मुद्दा बनाया है वो कानून व्यवस्था को बनाया है। उसी को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरने को लेकर जो बीजेपी का हल्ला बोल जो अभियान था वो कहीं ना कहीं जारी है। जी पिंटू, ये बताएं कि राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के साथ ही बीजेपी इस आंदोलन को समाप्त करेगी या फिर ये जो आगे भी चलने वाला है? देखिए, लगातार जारी रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से चुनाव जब भी आते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल सक्रिय हो जाते हैं। इसके 2 बड़े कारण है। जिस प्रकार से, एक तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस प्रकार से योगी सरकार को घेरने का वहां पर विपक्षी दलों ने काम किया, दूसरी तरफ उसी का ध्यान बांटने के लिए और जो दुष्कर्म की घटनाएं कुछ राजस्थान में सामने आई उनको लेकर कहीं ना कहीं गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि जो देश भर में जो पूरे तमाम राजनीतिक दल, तमाम लोगों का जो ध्यान यूपी के हाथरस में है,
वो कहीं ना कहीं राजस्थान में आए, और दूसरा जो निगम के चुनाव आ रहे हैं, जो जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बीजेपी बनाना चाहती है और ये लगातार जारी रहेगा। बीजेपी शुरू से ही कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बना रखी है। पहले भी हल्ला बोल अभियान चलाया गया था और अभी भी एक बार फिर से ये कहीं ना कहीं इनका अभियान एक्टिव हो गया है जब से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए, राज्य में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा, साथ ही राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की जाएगी। जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, भाजपा का ये जो हल्ला बोल अभियान है ये जारी रहेगा।